तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो। बेसिकली अगर इस वाले क्वेश्चन को तुम देखोगे तो देखो क्या कहा जा रहा है इसमें, कि एक ब्लॉक है 10 kg का, सस्टेंडेड बाय द स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग से अटैच है। तो ये दोनों एक बार मैं डायग्राम यहाँ बना देता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाएगा। यहाँ पे एक ब्लॉक है ये, और अलग अलग एंगल से अटैच है, ठीक ना, एक एंगल कम है एक ज़्यादा है, और कुछ ऐसा सिचुएशन है, और ये 10 kg का है, मतलब यहाँ पे mg वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, तो ये 100 न्यूटन हो जाएगा, और इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन टी भी उतना ही हो जाएगा, 100 न्यूटन, क्योंकि इक्विलिब्रियम मेंटेन है। तो जो पॉइंट ओ है, पॉइंट ओ जो आपको दिख रहा है, इसी पॉइंट ओ का मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। सिंस सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो हर पॉइंट पर नेट फोर्स 0 होगा। तो ये वाली लाइन इस पॉइंट पे हॉरिजेंटल है, और ये वाली लाइन वर्टिकल वाली लाइन है, ठीक ना। और ये एंगल यहाँ पे 60 है, तो ये भी तो 60 होगा, और ये एंगल यहाँ पे 30 है, तो ये भी तो 30 होगा। तो अगर तुम देखोगे यहाँ पे हाउ मेनी फोर्सेज आर एक्टिंग, तो सभी फोर्स को अगर अच्छे से देखोगे, तो यहाँ पे इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन T3 ऊपर लग रहा है। तो अगर T3 ऊपर लग रहा है, यहाँ पे T3 ऊपर लग रहा है, तो T3 का एक कॉम्पोनेंट इधर जाएगा, T3 cos 30, और एक इधर जाएगा जिसका नाम होगा T3 sin 30, ठीक है। और यहाँ से इधर जाएगा T2, ये है, ये आएगा T2, तो T2 का एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा जो होगा T2 cos 60, और एक T2 का एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा जो होगा T2 sin 60। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे वर्टिकली डाउनवर्ड इसमें जो टेंशन टी लगेगा वो 100 न्यूटन लगेगा। तो ठीक है, इस पॉइंट ओ का फ्री बॉडी डायग्राम देखो, पॉइंट ओ का फ्री बॉडी डायग्राम देखोगे तो कुल मिला के अब इस पर कुल कितने फोर्स लग रहा है देखो। इधर इधर एक इधर जा रहा है T cos 30, और एक इधर जा रहा है T2 cos 60, और ये नीचे इस पॉइंट पर 100 न्यूटन लगेगा, ऊपर टेंशन के दो कंपोनेंट लगेंगे, ठीक है। और ये सारे मिलके पॉइंट ओ को इक्विलिब्रियम में मेंटेन करके रखे हैं। तो कुल मिला के अब मैं इसी का इक्वेशन लिख देता हूँ, तो मुझे T2 वहाँ से दिखने लगेगा। T2 हमें चाहिए, ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं हॉरिजेंटल में लिखता हूँ, तो हॉरिजेंटल में ब्लॉक नहीं मूव कर रहा, तो नेट समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू 0, मतलब T3 cos 30 बराबर होगा किसके, T2 यहाँ से cos 60। तो यहाँ से तुम देखोगे हमें T2 चाहिए था, cos T3 cos 30 sin 60, √3/2, और ये T2 cos 60 sin 31/2, तो ये 1/2 1/2 खत्म हो गया। तो यहाँ से T2 की वैल्यू आ जाएगी √3 × T3। तो ये जो चीज़ है यहाँ पर, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरा वाला तुम देखोगे यहाँ से वर्टिकली नेट समेशन ऑफ फोर्सेज अलोंग वाई एक्सिस 0 होना चाहिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम है। तो T3 sin 30 प्लस T2 sin 60, ये सारे मिल के बराबर होंगे 100 न्यूटन के। T3 हमें चाहिए यार, T2, तो T2 चाहिए, तो T3 की वैल्यू यहाँ डाल दो, T3 की वैल्यू यहाँ से डाल दोगे इसमें, तो T3 कितना आया, T2/√3, और sin 31/2, और प्लस यहाँ से 2 2, और √3/2, दैट इज 100 न्यूटन। अब इसी को सॉल्व कर लोगे तो T2 मिल जाएगा। तो ये कौन कौन जो कॉमन है वो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो T2/2 यहाँ से कॉमन है, तो 1/√3 इधर बचा, और +√3 इधर बचा, ठीक है ना, और इधर हुआ 100 न्यूटन, मतलब T2 की जो वैल्यू आ जाएगी, T2 की जो वैल्यू आ जाएगी 100। एक बार एक स्टेप और कर देता हूँ आपके लिए, T2/2 और 1+3/√3, ठीक है ना, और ये 100, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा T2 की वैल्यू आ जाएगी T2/2, और यहाँ से 4/√3, और ये आ जाएगा 100, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स कर जाएगा, तो T2 की वैल्यू आ जाएगी √3 में 100 से मल्टीप्लाई कर दो, /2, इतना न्यूटन अपना सोल्यूशन बन जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 50√3 न्यूटन इज द फाइनल सोल्यूशन। थोड़ा सा कैलकुलेशन था, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, 50√3 मतलब अपना डी ऑप्शन सही हो जाता है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।